हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 के बारे में। अब सैमसंग ने अपना सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 कल लॉन्च कर दिया है और आज जो है मैंने आप daraz.pk पे चेक किया तो daraz.pk पे ये मोबाइल जो है लॉन्च कर दिया गया है और कुछ ही दिनों में आपको रेगुलर मार्केट में भी मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी मोबाइल फोन के बारे में बताने वाला हूँ। तो मेरा नाम है साद, आप देख रहे हैं चैनल टेक्नो साद। चलिए देखते हैं सब इस इंट्रो के बाद। फ्रेंड्स, इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूँ कि ये फ्लैगशिप मोबाइल है तो इसकी प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी और इसकी जो स्पेसिफिकेशंस है वो भी बिल्कुल हाई एंड होगी। मतलब ये भी मोबाइल जो है बिल्कुल लेटेस्ट फ्लैगशिप मोबाइल होने वाला है, तो इसलिए इसकी प्राइस और इसकी स्पेसिफिकेशन सारी चीज़ें जो है अच्छी होने वाली हैं। तो अगर बात करते हैं स्क्रीन की, तो इसमें आपको 6.4 इंचेस का क्वाड HD प्लस वाला डिस्प्ले मिलता है जो कि 18:9 के साथ आता है और इसमें आपको सुपर एमोलेड का डिस्प्ले दिया गया है जो कि आपको काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस मिलेगी आपको इस डिस्प्ले में, कलर्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे और काफ़ी एक अच्छा कलर सेचुरेशन वगैरह शार्पनेस वगैरह आपको इस डिस्प्ले में मिल जाएगा। अगर डिस्प्ले की बात की जाए एक्स्ट्रा की, तो इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला 5 का प्रोटेक्शन मिलता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 मिलेगा आपको इसमें। डिस्प्ले जो है दोनों तरफ से कर्व मिलता है, सैमसंग के डिस्प्ले जैसे कि S8 और नोट 8 S9 वगैरह में आपको जिस तरह का कर्व डिस्प्ले मिलता है उसी तरह का साइड से एज वाला डिस्प्ले आपको इसमें भी दिया गया है। 6.4 इंच की क्वाड HD डिस्प्ले दी गई है, फुल HD से भी ज़्यादा रेजोल्यूशन वाला है तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर रैम की बात की जाए तो इसमें आपको दो मॉडल मिलेंगे, एक होगा 6GB रैम के साथ और एक होगा 8GB रैम के साथ। तो 6GB रैम के साथ होगा, उसके साथ आपको मिलेगी 128GB स्टोरेज यानी 128GB की स्टोरेज मिलेगी और जो 8GB का रैम है उसके साथ आपको मिलेगा 512 यानी 512GB का स्टोरेज, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर कोई बहुत ज़्यादा मतलब आधे टेराबाइट की आपको इसमें स्टोरेज मिल जाएगी और इसमें कार्ड स्लॉट भी दिया गया है जो कि 512GB के मेमोरी कार्ड को सपोर्ट करता है। तो अगर आप 512GB का मेमोरी कार्ड लगाते हैं तो आपके मतलब 1TB जो है आपके फ़ोन में ही आपको मिल जाएगा, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है। प्रोसेसर की बात की जाए तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 845 वाला प्रोसेसर मिलता है और एंड्रीनो का 630 वाला GPU मिलता है जो कि एक लेटेस्ट और फ्लैगशिप प्रोसेसर इस साल का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है जो कि स्नैपड्रैगन 845। तो प्रोसेसर भी इसमें आपको काफ़ी अच्छा मिलता है और बिल्कुल एक लेटेस्ट प्रोसेसर है। अगर बात की जाए कैमराज की, तो इसमें आपको डुअल कैमराज मिलेंगे पीछे की तरफ जो कि 12+12 मेगापिक्सल का होगा। एक होगा f1.5 अपर्चर वाला जिसका अपर्चर वेरिएबल अपर्चर वाला कैमरा होगा जो कि S9 और S9 प्लस में आपने देखा होगा, उसी टाइप का कैमरा इसमें भी मिलता है। और दूसरा कैमरा है 12 मेगापिक्सल का जिसका अपर्चर f2.4 है जो कि पोर्ट्रेट मोड वगैरह के लिए दिया गया है। फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो इसमें 8 मेगापिक्सल का f1.7 अपर्चर वाला फ्रंट कैमरा मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है और फ्रंट कैमरा भी इसका काफ़ी अच्छा है और बैक कैमरा भी काफ़ी अच्छा है। कैमरा जो है ज़्यादा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं किया गया, जैसे S9 प्लस की तरह कैमरा दिया गया है, ज़्यादा कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं किया गया है इस कैमरे में। नोट 8 में जो कैमरा मिलता था S9 प्लस में उसी टाइप का कैमरा इसमें भी आपको मिलेगा, उसी टाइप की क्वालिटी मिलेगी। हो सकता है कुछ सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट हो जिसकी वजह से कैमरा की क्वालिटी थोड़ी बढ़ जाए, तो कैमरा लेकिन सेम ही रखा गया है इस मोबाइल में। अब बैटरी के बारे में बात करते हैं तो बैटरी एक बहुत ही इसका मेन पॉइंट है। इसमें आपको मिलता है 4000mAh की बैटरी, मतलब एक सैमसंग के इस मोबाइल फोन में आपको एक लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ 4000mAh की बैटरी तो मस्ट है। मतलब अगर आपके पास मोबाइल में 4000mAh बैटरी तो मतलब आपका मोबाइल एक दिन तो आराम से चल जाएगा। अब क्योंकि ये नॉर्मल मोबाइल नहीं है, इसका प्रोसेसर काफ़ी पावरफुल है तो वो काफ़ी ज़्यादा पावर कंजप्शन भी करता है, तो उसके लिए 4000mAh बैटरी काफ़ी अच्छी है इस हिसाब से। तो बैटरी के लिहाज से भी सैमसंग ने कोई बुरा काम नहीं किया है, काफ़ी अच्छा काम किया है बैटरी में भी। अब मेन चीज़ आ जाती है कुछ इसके फीचर्स की, तो सबसे पहले इसमें आपको हैंड फ्री जैक मिलता है 3.5mm का हेडफोन जैक, तो आप अपना हैंड फ्री वगैरह लगा सकते हैं जैसा कि आपको आईफोन 10 में नहीं मिलता है तो उसी लेकिन आपको इसमें मिलता है। ये बहुत अच्छी बात है कि आईफोन ने कहा कि आईफोन ने इसलिए हैंड फ्री के जैक को हटा दिया कि वो कहते थे कि हमारे मोबाइल जो है स्लिम करने के लिए हमने हेडफोन को हटाया है। हालांकि आप देख सकते हैं सैमसंग का मोबाइल मतलब ये बिल्कुल कैसा एकदम स्लिम डिज़ाइन है और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, इसमें भी हेडफोन जैक दिया गया है तो ये काफ़ी एक अच्छी बात है। टाइप सी मिलता है लेटेस्ट और 3.1 वाला, बाकी बैटरी ज़्यादा मिलती है, काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छे अच्छे आपको फीचर्स मिल जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इसका एस पेन है, एस पेन मिलता है जो कि ब्लूटूथ इंटीग्रेशन के साथ आता है। मतलब जो पहले वाला एस पेन था वो तो सिर्फ आप उससे राइटिंग वगैरह या कुछ लिखना वखना के लिए आप नॉर्मल यूज़ करते थे, लेकिन अभी जो एस पेन है ये ब्लूटूथ इंटीग्रेशन के साथ आया, जिसका फ़ायदा ये है कि अगर आप चाहते हैं आप जो है इससे कैमरा से सेल्फीज़ वगैरह या फिर पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं। मतलब अगर आपको दूर कैमरा रखा हुआ है और आप चाहते हैं कि टाइमर यूज़ ना करें तो आप एस पेन से बटन दबाकर सेल्फी वगैरह या अपने फोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है। सिक्योरिटी के मामले में भी कोई बहुत
मतलब जैसे एप्पल ने किया उस तरह का काम नहीं किया सैमसंग ने. एप्पल ने तो फिंगरप्रिंट को हटा दिया, लेकिन इसमें आपको फिंगरप्रिंट, आईरिस स्कैनर सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है. ओवरऑल ये एक काफ़ी एक अच्छा मोबाइल है, क्योंकि एक फ्लैगशिप डिवाइस है. तो ये मोबाइल जो है, अब मैं इसकी प्राइस के बारे में बताता हूँ. तो ये 130,000 रुपीज़ का लॉन्च किया गया है. अब 130,000 रुपीज़ इस प्राइस में ये मोबाइल जो है सही है, क्योंकि नोट एट जो था पिछली बार वो भी 1 लाख के अबव लॉन्च हुआ था. तो 130,000 रुपीज़ इसकी प्राइस है. इसमें आपको आईफोन 10 भी मिल जाता है, इसमें आपको ओप्पो का फाइंड एक्स भी मिल जाता है. अब ओप्पो का फाइंड एक्स आपको मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें जो है बहुत सारी चीज़ों को निगलेक्ट कर दिया गया है, लेकिन इसमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, बेसिक चीज़ें भी दी गई हैं. तो ये काफ़ी अच्छी बात है. अगर आप जो है प्रोडक्टिविटी, आप ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करते हैं, या फिर आप जो है ज़्यादा आपका क्रिएटिव बिटी वाला काम होता है, तो नोट 9 जो है आप लोगों के लिए ही बनाए, क्योंकि प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर नोट सीरीज़ यूज़ करते हैं, क्योंकि नोट सीरीज़ जो है प्रोफेशनल्स के लिए बनाई जाती है, वरना एस लाइनअप भी है जो कि नॉर्मल यूज़र यूज़ करते हैं. तो अगर आप 130,000 रुपीज़ का मोबाइल ले सकते हैं, तो ये मोबाइल आपके लिए बेस्ट है. मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा कि आप आईफोन 10 लें, या फिर आप जो है ओप्पो का फाइंड एक्स लें. आप ये मोबाइल ले सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा मोबाइल है. फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको यह आज की ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ. तो आज की इस वीडियो में इतना ही. देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में. जब तक के लिए गुड बाय.